नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब बात दिल्ली में जासूसी कांड पर सियासी संग्राम की। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर सड़क पर मैदान जंग में उतरी है। जासूसी कांड में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि जासूसी कांड में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी मांगी है। दरअसल सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट ने राजनीतिक जासूसी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिसोदिया पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर जासूसी की गई। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतरी है। जासूसी कांड में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कुमार सोनू सीधे जुड़ रहे हैं। कुमार, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये जासूसी की पूरी तस्वीर सामने आई जिसके बाद सीबीआई की तरफ से अनुमति मांगी गई है? ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से एक FBU यानी फीडबैक यूनिट बनाई गई थी और ये इस मकसद से बनाई गई थी कि जो दिल्ली सरकार के विभाग है उन पर ये नजर रख सके, निगरानी रख सके और उसका फीडबैक सरकार को दे ताकि कामकाज सही तरीके से हो। लेकिन जब इसकी इनिशियली इंक्वायरी जो सीबीआई ने की तो सीबीआई ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ही कहा कि ये फीडबैक यूनिट के जरिए दूसरे राजनीतिक दलों की भी जासूसी कराई जा रही थी और अब इस पर FIR दर्ज करने की जरूरत है, जिसके बाद अब LG का अप्रूवल जो है वो मांगा गया है और इसी को लेकर दिल्ली बीजेपी इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि ये पूरी तस्वीरें हैं बीजेपी के प्रदर्शन की। दरअसल FBU यानी फीडबैक यूनिट की जब स्थापना भी की गई तो 1 करोड़ रुपए उसको फंड भी दिया गया था जो कि सरकार की तरफ से दिया गया था। और दरअसल अब बीजेपी का यह आरोप है कि फीडबैक यूनिट का दिल्ली सरकार ने गलत इस्तेमाल किया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अपने विभाग की जगह जो है दूसरे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं अधिकारियों की जासूसी इसके जरिए कराई गई। फिलहाल इसी को लेकर जो है दिल्ली बीजेपी अब प्रदर्शन कर रही है, FIR की मांग कर रही है और CBI जांच की भी दिल्ली बीजेपी मांग कर रही है। जी कुमार सोनू, एक सवाल ये, वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछे किस तरह की जानकारी जुटाई गई थी, अभी तक की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, कौन कौन इस जासूसी के निशाने पर थे? देखिए बिल्कुल पवन, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इन लोगों की पूरी मांगे क्या हैं। यहाँ पर कुछ बीजेपी के वर्कर भी, ये बताइए क्या नाम है आप? मेरा नाम माया बजेटा। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये केजरीवाल की जो तानाशाही चल रही है, चोरगिरी चल रही है, ये जो भ्रष्ट अपना जो गंदी सोच इसने थोपी है, इससे फीडबैक यूनिट के बारे में आप जानते हैं कुछ? फीडबैक यूनिट के बारे में तो चलिए कुछ और जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हैं उनसे हम पवन बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर महेंद्र जी क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की यहाँ पर? देखिए, CBI से जांच शुरू हो चुकी है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो पैसा इन्होंने सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे खर्च करना था वो जो है प्रचार पे, चाहे बाहर चुनाव लड़के कर रहे हैं, और जो असली काम वो ना करके 100 करोड़ रुपए की 1 करोड़ की बर्बादी का प्रूफ हो चुका है, जिसे गैर संवैधानिक है। इस बात को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपकी क्या मांगे हैं, ये फीडबैक यूनिट आखिर हकीकत क्या है? देखिए, सरकार का काम होता है संविधान और कानून के दायरे में काम करना। सरकार जब गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम करेगी और ऐसी यूनिट का गठन करेगी जिसका संवैधानिक कोई स्वरूप नहीं है तो सरकार पर सवाल खड़े हो गई। सरकार का काम है बिजली पानी सड़क देना, जासूसी करना उनका काम नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सेल और हमारी जितने भी इस प्रकार की यूनिट है वो काम करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने गैर संवैधानिक काम किया है, मुझे लगता है इनके पास अब FIR दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी के तमाम नेता जो है गले में इस तरह की दूरबीन पहन कर भी बैठे हुए हैं, दूरबीन से भी देख रहे हैं। और रामबीर सिंह बिधूड़ी यहाँ पे हैं, बिधूड़ी साहब जो नेता विपक्ष है वो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, क्या कोई अनुमति ली गई है? अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत के राष्ट्रपति महोदया से ये आग्रह किया है कि इस डिपार्टमेंट के मुखिया और जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनु, ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिसोदिया जिनके ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगाए गए हैं, उनके खिलाफ FIR हो, इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में अनेक घोटाले किए हैं। यदि हमने विधानसभा के अंदर ये बात कही कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो आज शराब के ठेकेदार ये जानकारी एजेंसीज को दे रहे हैं कि हाँ, उनका जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया, उससे उनको भी फायदा हुआ और अरविंद केजरीवाल की जेब। सब फीडबैक यूनिट है क्या, इसका काम क्या था, फीडबैक यूनिट है क्या? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार, राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी जासूसी करवा रही थी। तो बड़ी बात, बीजेपी का आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करवा रही थी, उसको लेकर अब बीजेपी यहां सड़क पर उतरी है। सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।